Hello everyone, welcome to Excel Study Point. My name is Dharmvir Negi and I am your English educator. So friends, आज से हम यहाँ पे English के एक नए टॉपिक को डील करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है idioms and phrases. ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत वास्ट है और हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है idioms and phrases की जिनको हम अलग अलग लेक्चर में कंप्लीट करते जाएंगे. गाइस, जो idioms and phrases टॉपिक है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट आपके हर एग्जाम्स में ये जो है आपको पूछा जाता है. अगर मैं स्पेशली एसएससी सीजर की बात करूं तो प्री में इस पर्टिकुलर टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दो क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे. और इसके अलावा मेंस में, यानी कि एसएससी सीजर मेंस में इस टॉपिक से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन 10 क्वेश्चंस की जो वैल्यू होती है वो 10 मार्क्स होती है. तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम पूरे एग्जाम प्रोसेस में देखें तो 14 नंबर का वेटेज जो है अकेले आपको idioms and phrases दे देता है. गाइस, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है. अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं एक idioms का मतलब पता है तो बिल्कुल भी आपको वहां पे टाइम नहीं लगता है. विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग आपका सेक्शन है और अगर आपने ये वाला सेक्शन कर दिया तो इजिली से आप 2 मिनट के अंदर इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे. तो ये बहुत स्कोरिंग होता है अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो. इसके अलावा मैं अगर और एग्जाम की बात करूं तो और एग्जाम में वेरिएशन होता है. कभी 2 नंबर का पूछ लेता है, कभी 4 नंबर का पूछ लेता है, कभी 6 नंबर का पूछ लेता है. तो हर एग्जाम में वेरिएशन होता है, डिफाइन नहीं होता है, लेकिन एसएससी सीजर में जो है इसका एक फिक्स पैटर्न है. राइट, तो गाइस आज से हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम एक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहले हमारे पास कुछ फिक्स अप्रोचेस होंगी कि जैसे जैसे यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लू से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या है idioms and phrases हैं. उसके बाद जो पर्टिकुलर अप्रोचेस हमारे जब हम पर्टिकुलर अप्रोच से करते हुए जाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम मिसलिनियस करेंगे. गॉट माय पॉइंट? तो आज हम यहाँ पे कुछ idioms को डिस्कस कर रहे हैं जो बेस्ड होंगे कलर पे. ठीक है, तो कलर पे बेस्ड आपके बहुत सारे idioms हैं तो हम एक एक कलर पे बेस्ड हर लेक्चर में अलग अलग कलर पे बेस्ड क्या करेंगे idioms and phrases को कवर करेंगे. राइट, तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है idioms and phrases पे. इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली आपके लेक्चर आते रहेंगे idioms and phrases पे और पूरा idioms and phrases हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे. गॉट माय पॉइंट? तो आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी ब्लू से रिलेटेड जितने भी आपकी idioms and phrases हैं, यानी कि ब्लू से रिलेटेड जितने भी idioms and phrases हैं, आज हम सारे idioms and phrases को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. गाइस, मैं आपको idioms का मतलब बता देता हूँ. इसको हम हिंदी में कहते हैं कहावत. ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं. राइट, तो आज का जो पहला idiom है वो है आउट ऑफ द बॉक्स. अब इस आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज सडन हो जाती है या हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कोई भी चीज जो अनएक्सपेक्टेड होती है और हो जाती है उसी को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स. मैं यहां पे इसकी मीनिंग लिख लेता हूं, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड थी और हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्जाम में बार बार क्या हो रखा है आपका रिपीट हो रखा है. राइट, दूसरा है फीलिंग ब्लू. फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि जब आप अनहैप्पी फील करते हो, यानी कि जब आप खुश नहीं रहते हो, किसी कारणवश आप क्या है दुखी हैं, तो इसी को बोलते हैं फीलिंग ब्लू. तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग अनहैप्पी. राइट, नेक्स्ट है ब्लू कॉलर वर्कर्स. फ्रेंड्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स हम उन वर्कर्स को कहते हैं बेसिकली जो अनस्किल्ड होते हैं. ठीक है, जो क्या होते हैं आपके अनस्किल्ड होते हैं, जिनमें काम करने की क्या नहीं होती, कुशलता नहीं होती है, उन्हीं को हम ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं. मान लो अगर कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में नया है तो हम उसको कह सकते हैं कि ही इज अ ब्लू कॉलर वर्कर्स. ठीक है, वह क्या है एक ब्लू कॉलर वर्कर्स है. कहने का मतलब है वो अनस्किल्ड पर्सन है. राइट, हम कह सकते हैं अन
skilled workers, ठीक है, यानी कि एक ऐसा worker जो कि अनस्किल्ड है उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद ब्लू ब्लड। अब ये ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लू ब्लड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो सही होती है, लॉयल होती है, ठीक है, जो क्या होती है, रॉयल होती है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या होती है, रॉयल होती है, उसको बोलते हैं हम ब्लू ब्लड, यानी कि अपने आप में एक शाही अंदाज जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। ये जो idiom है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्या हो रखे है, रिपीट हो रखे है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि किसी को बहुत गंदे तरीके से पीटना, यानी कि टू बीट मर्सीलेसली, राइट। इसका मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, ठीक है, किसी को बहुत गंदे तरीके से या बहुत बुरे तरीके से मारना या पीटना, इसी को बोलते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का भी मतलब वही होता है जो इसका था, इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है उसी को बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है? जैसे आपने हिंदी में सुना भी होगा कि आंखों का तारा होना, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अ ब्लू आइड बॉय, ठीक। अ ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है फेवरेट, ठीक है, अ ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है, फेवरेट, जो भी आपका क्या होता है बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं उसको बोलते हैं हम अ ब्लू आइड बॉय बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके बाद ट्रू ब्लू। अब इस ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से कि इस ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस ट्रू ब्लू का जो मतलब होता है वो होता है कंप्लीटली लॉयल, ठीक है। इस ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली लॉयल, यानी कि जो पूरी तरीके से क्या होता है, ईमानदार होते हैं, जो पूरी तरीके से क्या होता है, ईमानदार होते हैं, यानी कि कंप्लीटली, कंप्लीटली लॉयल, जो पूरी तरीके से क्या है, ईमानदार है, उसको क्या बोलते हैं हम ट्रू ब्लू, ठीक है। तो ट्रू ब्लू का मतलब क्या हो गया, जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से लॉयल होता है या जो पूरी तरीके से ईमानदार होता है उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ट्रू ब्लू। तो ट्रू ब्लू का मतलब होता है जो पूरी तरीके से क्या होता है, ईमानदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लू इन द फेंस। ब्लू इन द फेंस का मतलब होता है एक बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ा कार्य करना, यानी कि टू मेक एनॉर्मस, एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है, फ्यूटाइल एफर्ट्स, यानी कि किसी बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा प्रयास करना, लेकिन जो प्रयास है आपका क्या है, व्यर्थ है, यानी कि आपको पता है कि इसमें कोई भी काम कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर भी हम करते जाते हैं, तो बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है, फ्यूटाइल एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसी चीज को बोलते हैं ब्लू इन द फेंस कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ब्लू रिबन या ब्लू रिबेंट। ब्लू रिबन या ब्लू रिबेंट का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जो हाइस्ट प्राइज होता है, किसी भी कॉम्पिटिशन में दिया जाने वाला जो हाइस्ट प्राइस होता है उसको बोलते हैं ब्लू रिबन या ब्लू रिबेंट, ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूं अ द हाइस्ट प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन, इन अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में दिया जाने वाला जो हाईएस्ट प्राइज होता है उसको बोलते हैं ब्लू रिबन या ब्लू रिबेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत रेयरली होती है, बहुत कम चांस में होती है, उसी को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा रेयरली, ठीक है, रेयरली, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर का मतलब होता है हाहाकार मच जाना, ठीक है, इस ब्लू मर्डर का क्या होता है, हाहाकार मच जाना, यानी कि इसी को मैं कह सकता हूं आउटक्राई, ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद टॉक अ ब्लू स्ट्रीक. टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होते हैं नॉन स्टॉप बोलते जाना या बोलते जाना कंटिन्यूअसली. टू स्पीक विदाउट स्टॉपिंग. ठीक है, कंटिन्यू बोलते जाना, इसी को बोलते हैं टॉक अ ब्लू स्ट्रीक. ठीक है, तो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है लगातार बोलते जाना. ये होता है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक. ठीक है, तो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है टू स्पीक कंटिन्यूअसली या टू स्पीक विदाउट स्टॉपिंग. राइट, इसके बाद लास्ट है हमारे पास द ब्लूज. तो द ब्लूज का मतलब क्या होता है, तो द ब्लूज का मतलब होता है अ स्टेज ऑफ सैडनेस. अ स्टेज ऑफ सैडनेस या डिप्रेशन. A state of sadness or depression. ठीक है, तो sadness या depression की जो state होता है उसको बोलते हैं हम the blue. Right? ये हो जाएगा a state of sadness or depression. So friends, आज हमने यहाँ पे कुछ idioms and phrases discuss की जो based थे color पे, और color में से भी कौन सा आपका blue वाला. तो इस सारे के सारे जितने भी idioms हैं ये आपके color पे based idioms हैं. तो थोड़ा मैं एक रिवीजन लगा देता हूं. सबसे पहला है आउट ऑफ द ब्लू. तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, कोई भी ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी और हो जाती है. नेक्स्ट है फीलिंग ब्लू. तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग अनहैप्पी, यानी कि उदास होना या नाखुश होना. नेक्स्ट है ब्लू कॉलर वर्कर्स. ब्लू कॉलर वर्कर्स बेसिकली एक ऐसा वर्कर्स होते हैं जो अनस्किल्ड है या जिसको काम करने का तरीका पता नहीं है, तो अनस्किल्ड वर्कर्स हो जाएगा. नेक्स्ट है ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल, यानी कि कोई भी इंसान जो बहुत साई है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड. नेक्स्ट है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, यानी कि किसी को बेरहमी से पीटना, उसी को बोलते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. नेक्स्ट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड या सडन. नेक्स्ट है इसके बाद अ ब्लू आइड बॉय, यानी कि कोई भी जो आपका बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, उसी को बोलते हैं अ ब्लू आइड बॉय. नेक्स्ट है ट्रू ब्लू. ट्रू ब्लू का मतलब होता है कंप्लीटली लॉयल, यानी कि पूरी तरीके से ईमानदार होना या पूरी तरीके से वफादार होना, इसी चीज को बोलते हैं ट्रू ब्लू. नेक्स्ट है ब्लू इन द फेंस. ब्लू इन द फेंस का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा काम करना लेकिन वो जो सारा का सारा काम है बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है, फ्यूटाइल है. ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद ब्लू रिबन या ब्लू रिबेंट. ब्लू रिबन या ब्लू रिबेंट का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन में दिया जाने वाला जो हाइस्ट प्राइज होता है. राइट, नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून. तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कोई भी चीज जो बहुत रेयरली होती है, बहुत कम होती है, उसी चीज को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट है ब्लू मर्डर. ब्लू मर्डर का मतलब होता है कि हाहाकार मच जाना, आउट क्राई. नेक्स्ट है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक. टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है टू स्पीक विदाउट स्टॉपिंग. ठीक है, टू स्पीक विदाउट स्टॉपिंग. नेक्स्ट है द ब्लूज. द ब्लूज का मतलब होता है स्टेट ऑफ सैडनेस या डिप्रेशन. गाइस मैं एक बार ये मैंने यहाँ पे रिवीजन लगाई है क्योंकि ये ऐसे जो idioms एंड फ्रेज होते हैं, जो आपकी वोकैबुलरी सेक्शन होती है, आप उसको जितना रिवीजन करोगे वो इतना ज्यादा जो है आपके माइंड में बैठती जाएगी. राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार रिवीजन करी है. इसके बाद एक और रिवीजन लगानी है हमें और आपको मेरे साथ बोलना है. ठीक है, ये मत सोचो कि आप कहाँ हो, मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है, तो आपको जो है मैं यहां से बोलूंगा, आपको वहां से क्या करना है, मेरे साथ रिप्लाई करना है, मेरे साथ बोलना है, ताकि जो है चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाए. ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको मेरे साथ बोलना है. आप जहां पे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहीं से जोर जोर से बोलना है. राइट, ठीक है, चलो. तो फर्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू. राइट, फीलिंग ब्लू, वेरी गुड. ब्लू कॉलर वर्कर्स, गुड. ब्लू ब्लड, वेरी गुड. टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, वेरी गुड. बोल्ड फ्रॉम द ब्लू,
Very good. A blue-eyed boy. True blue. Blue in the fence. Next, blue ribbon, a blue riband. Very good. Once in a blue moon. Next, blue murder. Next, talk a blue streak. Very good. Next, the blues. Very good. Guys, अगर इसी प्रकार की जो अप्रोच है, अगर इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते जाएंगे तो बिलीव में मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे idioms एंड phrases याद करा दूंगा. बस आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है और एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है. इसके बाद आओ ब्लू से रिलेटेड कुछ और idioms एंड phrases को हम डिस्कस करते हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए कुछ और idioms को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन दो इक्वल अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाता है, ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं कि एक इंसान जब दो सेम सिचुएशन और दोनों सिचुएशन की आपकी बेकार वाली है, अनप्लेजेंट है, उसमें फंस जाना. इस इडियम्स का मतलब होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. यानी कि इसका मतलब हो जाएगा टू हैव टू equally unpleasant choices. ठीक है, दो equally unpleasant choice होना, इसी को बोलते हैं between the devil and the deep blue sea. Next है blue stocking. Blue stocking का मतलब होता है कि एक ऐसी women या एक ऐसी महिला जो क्या होती है, आपकी पढ़ी लिखी होती है या जिसको लिटररी वर्क में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम ब्लू स्टॉकिंग. राइट, नेक्स्ट, जैसे अ वीमेन विद स्कॉलरली, ठीक है, अ वीमेन विद स्कॉलरली, स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली, या हम इसमें लिख सकते और लिटररी इंटरेस्ट. लिटररी इंटरेस्ट, एक ऐसी वीमेन जो आपकी क्या होती है, पढ़ी लिखी होती है या जिसको लिटररी वर्क में क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग. नेक्स्ट है टू ब्लू पेंसिल समथिंग. टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज पे पाबंदी लगाना. जैसे जो हमारा सेंसर बोर्ड होते हैं वो फिल्म पे क्या लगा देता है, पाबंदी लगा देता है. तो अब इसको क्या बोलेंगे, टू ब्लू पेंसिल समथिंग, यानी कि टू सेंसर समथिंग, यानी कि किसी चीज पे पाबंदी लगा देना. राइट, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब है टू हैव टू इक्वली अनप्लेजेंट चॉइसेस. राइट, नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग. ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एक ऐसी वीमेन जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है जिसको लिटररी वर्क में इंटरेस्ट होता है. नेक्स्ट टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है टू सेंसर समथिंग, है किसी चीज पे पाबंदी लगाना. राइट, तो चलो आओ एक बार रिविजन कर लेते हैं. फर्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे, आपको बोलना पड़ेगा, बोलना जरूरी है, क्योंकि आप वोकैबुलरी को जितना बोलोगे उतना आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा. राइट, तो इस अप्रोच पे हम काम करते हैं. मैं यहां से बोलूंगा, आपको वहां से क्या करना है, इसकी मीनिंग को बतानी है. ठीक है, जितनी बार बोलोगे उतनी बार जो है आपके दिमाग में ये चीज बैठती जाएगी. ठीक है, तो आपको इस पे अलग से काम करना नहीं पड़ेगा. ठीक, तो पहला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो. नेक्स्ट ब्लू स्टॉकिंग, राइट, ब्लू पेंसिल समथिंग, वेरी गुड. ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये idioms एंड phrase समझ में आई होंगी जितने भी आज मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं. आज हमने यहां पे जो idioms एंड phrase डिस्कस किए वो थे कलर पे बेस्ड, और कलर पे भी अगर हम पर्टिकुलर जाए तो ये ब्लू,
यानी कि जो भी आपका ब्लू कलर पे बेस्ड आपके जितने भी इडियम्स थे वो सारे के सारे इडियम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक नए जो नया कलर होगा, रेड हो सकता है, ब्लैक पे बेस्ड हो सकते हैं, व्हाइट पे बेस्ड हो सकते हैं, किसी एक कलर पे बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये अप्रोच पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लेफ्ट साइड में जो बेल आइकन गिवन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।